ये साधारण सा क्रॉप मेज कैसे भारत के एग्रीकल्चरल और एनर्जी फ्यूचर का गेम चेंजर बन सकता है, चलिए जानते हैं। मिलियंस को खाना देने से लेकर व्हीकल्स को फ्यूल देने तक मेज सिर्फ एक क्रॉप नहीं है, ये पॉसिबिलिटीज का पावर हाउस है। मेज यानी कि कॉर्न अब एक वर्सेटाइल क्रॉप बन रहा है। पहले सिर्फ खाना और फीड के लिए जाना जाता था, लेकिन अब इसका महत्व इथेनॉल प्रोडक्शन में भी बढ़ रहा है। ये इंडिया के सस्टेनेबल एनर्जी सॉल्यूशंस का अहम हिस्सा है। 2018 की नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी के तहत 2025 तक 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग टारगेट अचीव करना है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि आप हनी बी फार्मिंग के बारे में विस्तार में जानना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड कर इस कोर्स को सब्सक्राइब जरूर करें, जहां अनुभवी एक्सपर्ट्स की जबानी आपको सारी की सारी जानकारी सिर्फ 399 रुपयों में मिल जाएगी। लेकिन अभी के लिए इस वीडियो की तरफ वापस आते हैं। ये मेज किसानों के लिए एक नया मार्केट खोल रहा है, जो फूड और फीड के अलावा एक और रेवेन्यू स्ट्रीम प्रदान करता है। इस पॉलिसी के साथ मेज की डिमांड इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए बहुत बढ़ने वाली है। अभी मेज से सालाना इथेनॉल उत्पादन की क्षमता 3 बिलियन लीटर है, जो और भी बढ़ेगी जब नए मेज बेस्ड इथेनॉल प्लांट्स खोलेंगे। मेज पोल्ट्री, फिश और लाइफ स्टॉक के लिए एनिमल फीड इंडस्ट्री का भी एक अहम हिस्सा है, जो करीब 60% फीड की जरूरतों को कवर करता है। ये स्पष्ट है कि मेज सिर्फ एक सीरियल क्रॉप नहीं है, ये भारत की फूड सिक्योरिटी, एनर्जी इंडिपेंडेंस और रूरल इकोनॉमी के लिए एक महत्वपूर्ण रिसोर्स है। इन मल्टीफैसेटेड फायदों के साथ मेज फार्मिंग भारतीय किसानों के लिए एक आकर्षक विकल्प बन रहा है। लेकिन क्या है इस गोल्डन क्रॉप को सक्सेसफुली कल्टीवेट करने के लिए जरूरी कदम, चलिए मेज फार्मिंग के स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को समझते हैं, चैलेंजेस, बेस्ट प्रैक्टिसेस और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के साथ। बढ़ते मौकों के बावजूद मेज फार्मिंग को कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। भारतीय मेज किसानों की प्रोडक्टिविटी लेवल्स एवरेज 2.5 टन्स पर हेक्टर है, जो ग्लोबल एवरेज 5.5 टन्स पर हेक्टर से काफी कम है। इसके पीछे कारण है हाई क्वालिटी सीड्स की कमी, आउटडेटेड फार्मिंग तकनीकें और इनएडिक्वेट इरिगेशन की सुविधाएं। मॉनसून रेन्स पर भारी डिपेंडेंस मेज फार्मिंग को क्लाइमेट चेंजेस से कमजोर बना रहा है। इरेटिक रेनफॉल पैटर्न्स और लंबे सूखे से मेज यील्ड्स पर बुरा असर पड़ रहा है। पोस्ट हार्वेस्ट नुकसान कमजोर स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण भी किसानों की आय को कम करता है। मार्केट वॉलिटिलिटी भी एक बड़ा मुद्दा है। फ्लक्चुएटिंग मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस यानी कि MSP और राइजिंग इनपुट कॉस्ट से कई स्मॉल स्केल किसानों के लिए मेज फार्मिंग रिस्की हो गया है। लेकिन सवाल ये है कि फार्मर्स यानी कि किसान कैसे इन चैलेंजेस को ओवरकम कर सकते हैं और मेज की खेती को सस्टेनेबल और प्रॉफिटेबल बना सकते हैं, चलिए मेज कल्टीवेशन के कॉम्प्रिहेंसिव स्टेप्स को विस्तार में देखते हैं। सक्षम मेज हार्वेस्ट की जर्नी शुरू होती है सही जमीन के चुनाव से। मेज बेस्ट वेल ड्रेन्ड लोमी या एलुवियल मिट्टी में ग्रो होता है, जिसका पीएच रेंज 5.5 से 7.5 है। सॉइल टेस्ट करना जरूरी है ताकि न्यूट्रिएंट प्रोफाइल समझी जा सके और जरूरी बदलाव लाए जा सके। खेत को अच्छे टिल्ट के लिए 2 से 3 बार प्लाव करना चाहिए और 10 से 12 टन प्रति हेक्टर ऑर्गेनिक मनूर जैसे कॉम्पोस्ट या फार्म यार्ड मनूर को इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। सॉइल फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए सही वैरायटी के सीड्स का चुनाव यील्ड और क्वालिटी बढ़ाने के लिए बहुत अहम है। प्रसिद्ध हाइब्रिड वैरायटीज जैसे HM10, विवेक QPM9 और DHM117 ऊंची उत्पादन और पेस्ट रेजिस्टेंस के लिए जाने जाते हैं। बीज को फंगिसाइड्स जैसे थीरम या कार्बिंडाजीम से ट्रेंट करना चाहिए। सोइंग टिपिकली 60 से 70 cm की रो स्पेसिंग पर और 20 से 25 सेंटीमीटर की प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग पर होती है। रेकमेंडेड सोइंग की गहराई 4 से 5 सेंटीमीटर है और सीड्स गीली मिट्टी में ही सो करने चाहिए। खरीफ सीजन के लिए सोइंग जून से जुलाई में, रबी के लिए अक्टूबर से नवंबर और जेड के लिए फरवरी से मार्च बेहतर होती है। मेज को लगातार इरिगेशन की जरूरत होती है, खास तौर पर की ग्रोथ स्टेजेस जैसे जर्मिनेशन, नी हाई फ्लावरिंग और ग्रेन फिलिंग स्टेजेस में। रीजन के हिसाब से ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम्स वाटर कंजर्वेशन और असरदार इरिगेशन में मदद करते हैं। एवरेज मेज को अपने ग्रोइंग सीजन में 500 से 600 मिलीमीटर पानी की जरूरत होती है। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के लिए जनरल सुझाव है 120 kg नाइट्रोजन, 60 kg फास्फोरस और 40 kg पोटैश पर हेक्टर अप्लाई करना। नाइट्रोजन को 3 स्प्लिट डोजेस में अप्लाई करना चाहिए, 25% सोइंग के वक्त, 50% नी हाई स्टेज पर और 25% टैसलिंग स्टेज पर। वीड्स मेज ईल को
खास तौर पर पहले 45 दिनों में सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर सकते हैं। रेगुलर वीडिंग 2 से 3 बार या हर्बिसाइड्स जैसे एट्रोजीन 1.0 से 1.5 किलोग्राम पर हेक्टर का इस्तेमाल असरदार वीड मैनेजमेंट के लिए करना चाहिए। पेस्ट जैसे फॉल आर्मी वर्म और स्टेम बोरर मेज क्रॉप्स के लिए खतरनाक थ्रेट्स हैं। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट यानी कि IPM प्रैक्टिसेस, बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट्स जैसे ट्रिकोग्रामा और जुडिशियस इंसेक्टिसाइड उपयोग के साथ इन कीटों को कंट्रोल करने के लिए जरूरी है। मेज तब हार्वेस्ट के लिए तैयार होता है जब ग्रेन मॉइस्चर कंटेंट 20-25% हो और कॉब्स पूरी तरह से सूख गए हो। ये क्रॉप मैन्युअली या मैकेनिकल टूल से हार्वेस्ट किया जा सकता है फार्मिंग स्केल के हिसाब से। हाइब्रिड मेज वैरायटीज 6-9 टन पर हेक्टर यील्ड करती है जबकि ओपन पॉलिनेटेड वैरायटीज 3-5 टन पर हेक्टर यील्ड करती है। पोस्ट हार्वेस्ट मेज ग्रेन्स को 12-14% मॉइस्चर लेवल तक सुखाना जरूरी होता है ताकि स्टोरेज में स्पॉइलेज ना हो। मॉडर्न स्टोरेज सॉल्यूशंस जैसे सिलोस और हर्मेटिक बैग्स पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को मिनिमाइज करने में मदद करते हैं। इथेनॉल प्रोडक्शन, फीड और फूड की बढ़ती डिमांड के साथ मेज फार्मिंग अब और भी इकोनॉमिकली वायबल होता जा रहा है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी, इनपुट कॉस्ट, मार्केट कंडीशंस और सरकारी पॉलिसीज पर हेविली डिपेंड करते हैं। मेज कल्टिवेट करने का कॉस्ट पर हेक्टर 20,000 से 25,000 रुपए तक होता है और ऑप्टिमल प्रैक्टिसेस के साथ नेट प्रॉफिट 30,000 से 50,000 रुपए पर हेक्टर अचीवेबल है। सरकार द्वारा सेट किया गया मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि MSP फॉर मेज 2023-24 मार्केटिंग सीजन के लिए 1962 रुपए पर क्विंटल है, लेकिन किसानों को लोकल मार्केट डायनामिक्स और एफिशिएंट प्रोक्योरमेंट सिस्टम्स की कमी के कारण MSP प्राप्त करने में दिक्कत होती है। मुश्किलों के बावजूद भारत में मेज फार्मिंग का फ्यूचर प्रॉमिसिंग लग रहा है, खास तौर पर सरकार के इथेनॉल ब्लेंडिंग और बायोफ्यूल प्रोडक्शन के पुश के साथ। तो आपके इस टॉपिक को लेकर क्या थॉट्स हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और हमेशा की तरह अगले वीडियो तक मेरी तरफ से अलविदा और हैप्पी फार्मिंग।